आज हम लोग झारखंड के संपूर्ण ज्ञान को कवर करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले जेसीसी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम 90% क्वेश्चन आपको सेम टू सेम एज वेल एज मिलेगा एग्जाम में, और 10% जो है करंट अफेयर्स रहेगा दोस्तों, जो कि करंट अफेयर्स मैं अदर वीडियो में लेकर के आऊँगा। चलिए झारखंड के संपूर्ण समान ज्ञान के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड के मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जो हैं झारखंड के वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल रमेश बैस हैं जो 7 जुलाई 2021 को बने, पहले से द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परीक्षण विभाग मंत्री सत्यानंद भोक्ता, महिला एवं बाल विकास मंत्री जुबा मांझी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिथिलेश ठाकुर। अगर आप लोग हमारे मंत्रिमंडल के ट्रिक को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके झारखंड वाला में जाइए और वहां से ट्रिक वाला मंत्रिमंडल के वीडियो देखिए, आपको आसानी से 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है झारखंड का सामान्य परिचय। राज्य का नाम झारखंड, झारखंड क्यों पड़ा? तो नामांकन इसलिए हुआ कि जंगल झाड़ी की सर्वाधिकता होने के कारण झारखंड नाम पड़ गया। राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, स्थापना वर्ष 2000, स्थापना दिवस 15 नवंबर को, राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, राजकीय पशु हाथी। हाथी 3 राज्यों का पशु है राजकीय, जो कि कर्नाटक का और केरल का और झारखंड का है। आगे है राजकीय पक्षी कोयल और राजकीय वृक्ष साल मतलब सखुआ। आगे है दोस्तों कि राजकीय पुष्प जो है प्लास है। राजकीय राज्य का आकार जो है चतुर्भुजाकार है। राज्य का लोगो है वृत्ताकार है, उसमें कितने वृत्त हैं, कितने पशु हैं हाथी, कितने व्यक्ति हैं, और प्लास का फूल है, और झारखंड के वन संपदा के बारे में बताया गया है। तो इसको एक वीडियो में अलग से बता दिया जाएगा झारखंड के लोगों के बारे में। आगे है क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर, शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान 16वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम, सबसे छोटा जिला रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से। जलवायु मानसूनी है, औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर। झारखंड में प्रथम कौन? देखिए झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, झारखंड के प्रथम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बागुन सुमर बराई, झारखंड विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी, झारखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य जोसेफ गोल्डस्टीन, झारखंड के प्रथम महिला मंत्री जुबा मांझी, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव बी एस दुबे या विजय शंकर दुबे, झारखंड के प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उराव, झारखंड के प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह। आप वीडियो को आराम से पॉज करके लिख सकते हैं दोस्तों, अच्छा नोट बनाइएगा ताकि आपको जेएससी के एग्जाम में पढ़ के जाने में कोई कठिनाई न हो। आगे है कि झारखंड की राज्यपाल जो महिला थी वह द्रौपदी मुर्मू, अभी तक प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र मिला अल्बर्ट एक्का, प्रथम पुलिस महा अधिकारी जिसे अशोक चक्र मिला रणधीर वर्मा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, झारखंड प्रथम ग्लाइंडिंग इंस्ट्रक्टर राजेश रजक, झारखंड प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास, झारखंड प्रथम बिजली घर तिलैया, झारखंड प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु, झारखंड के प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची। झारखंड का इतिहास के बारे में है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है दोस्तों। झारखंड का विभिन्न नाम विभिन्न पुस्तक और स्रोतों से लिया गया है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड नाम था झारखंड का पुंडू, और विष्णु पुराण में मुंड नाम था, वायु पुराण में मुरंड था, भगवत पुराण में कुकुट प्रदेश, महाभारत में पशुभूमि एवं पुंडिक देश, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में कलिंद देश, ऋग्वेद में किकिट प्रदेश, और अर्थवेद में वार्त्य टोलवी मुंडल, फायान में कुकुट लाड, वेनसांग में किलोना सुफलाना, अबुल फजल में छोटा नागपुर को झारखंड कहा जाता था। ये अकबरनामा है। आगे है दोस्तों कि तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए जहांगीर में खोखरा बोला जाता है, आईने अकबरी में कोकरा एक खंकारा, माथिर उनमुर कोकरा, समुद्रगुप्त में मुरंड, जैवी छवि में चुटिया नागपुर। ठीक है, आगे है झारखंड में मिले महत्वपूर्ण अवशेष। हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला था दोस्तों, इसके भूल भुलैया जैसी आकृति थी। आगे है लोहरदगा जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था। पांडू से चार पाई वाली
पत्थर के चौकी मिले, जो कि पटना संग्रहालय में स्थित है, अभी रखा गया है। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्तकालीन कुआं मिला था दोस्तों। चतरा जिले से पत्थर पर एक पदचिन्ह मिले हैं, जिसे चैनी पासुनाथ का पदचिन्ह माना जाता है। इटखोरी चतरा में गुप्तकालीन अवशेष मिला है। पलामू पांडव तीनों पाषाण काल का औजार मिला है, मतलब पलामू में अभी तक तीनों पाषाणकालीन औजार मिला है। झारखंड के प्राचीन राजवंश के बारे में, मतलब झारखंड में शुरुआत में कौन राज करते थे, तो मुंडा राजवंश था, मतलब मुंडाओं का राज चलता था। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम मुंडा जनजातियों के लोगों ने की थी। ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का राजा चुना था। सुतिया नागखंड के नए राज का नाम रखा गया था। सुतिया के राज्य के 7 गढ़ एवं 21 परगने में विभक्त था उस समय का झारखंड। आगे है कि नागवंशी राजवंश के बारे में। नागवंशी राज्य की स्थापना राजा फणी मुकुट राय ने प्रथम शताब्दी में की थी। उनके राज्य में 66 परगने थे और उन्होंने अपनी राजधानी सुत्यामे को बनाई थी। अन्य नागवंशी राजा और उनकी राजधानियां प्रताप राय चुटिया, भीमकर्ण खुखरा, एनीसा सतरंजी, दुर्जनसा, डोईसा, शिवनाथ सा पालकोट, जगन्नाथ सहदेव रातुगढ़, सभी को आप आसानी से याद कर लीजिएगा दोस्तों, कुछ ट्रिक्स से अपने मन में। और अगर याद नहीं होगा तो हम एक ट्रिक देंगे, अगर आपको इस वीडियो पर ज़्यादा कमेंट जाएगा तो ट्रिक देंगे दोस्तों। आगे है रांची का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर 1991 ईस्वी एनी शाह के शासनकाल में बनाया गया था। नागवंशी राजा दुर्जन शाह को ग्वालियर के किले में गिरफ्तार करके वहाँ के किले में 12 वर्षों तक बंद रखा गया था। मुगल शासक जहांगीर ने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दी थी। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। आगे है रक्सेल वंश। पलामू के प्रारंभ में रक्सेल राजवंश का शासन था। रक्सेल वंश के लोगों स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेल वंश के लोग चेरों द्वारा अपदस्त किए गए थे दोस्तों, ठीक है, मतलब चेरों द्वारा उनका खात्मा किया गया था। आगे है कि चेरों वंश के बारे में है, तो चेरों वंश के बारे में देख लेते हैं। पलामू में चेरों वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी। औरंगजेब के शासनकाल में चेरों राजा मेदनी राय था। मेदनी राय को 1528 में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। मेदनी राय के शासनकाल को चेरों शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। पलामू जिले का मुख्यालय इन्हीं के नाम पर मेदनी नगर रखा गया था। मेदनी राय को न्यासी राजा भी कहा जाता था। सिंह राजवंश काशीनाथ सिंह सिंहभूम के सिंह वंश के प्रथम राजा थे। सिंहभूम को पोराहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा जाता था। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1362 ईस्वी में भगदेव सिंह ने की थी। खगड़िया राज्य की स्थापना हंसराज देव ने की थी। सरायकेला राज्य की स्थापना 1620 बिक्रम सिंह ने की थी। आगे है मान राजवंश। मानभूम के मान राजवंश का स्थापना राजवंश का राज्य हजारीबाग मानभूम में विस्तृत था। हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थानों से प्राप्त गुप्त शिलालेख में मानभूम के मान राजवंश का उल्लेख है। आगे है पाल काल के बारे में, पाल वंश के बारे में। माँ इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति की निर्माण संभवतः पाल काल में किया गया था। इस स्थान को पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख मिले हैं। झारखंड के अन्य राजवंश। हंसराज देव दक्षिण भारत के रहने वाले थे। पलामू रियासत की राजधानी पलामूगढ़ और गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसे पलामू किला कहा जाता है। सोनपुरा रियासत पलामू जिले में अवस्थित है। आगे है महाभारत काल में झारखंड को जरासंघ के अधीन था, ठीक है। झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में है। झारखंड गौतम बुद्ध के धर्म का प्रचार का क्षेत्र था दोस्तों। कंसाई नदी के तट पर बुधपुर में बुधेश्वर मंदिर स्थित है। धनबाद के दलसी और बुधपुर में अभी जो है बौद्ध अवशेष अवस्थित है। झारखंड के पारसनाथ स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। यह पर्वत गिरिडीह जिले में अवस्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के 24 में से 23 तीर्थकरों ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि 23वें तीर्थकर्थ थे, और जो 24वें थे वह महावीर थे। पलामू जिले के हनुमान गांव, जो सतबरवा प्रखंड में आता है, से जैनियों का पूजा स्थल मिला है। चतरा जिले में जैनियों के 9 सर्पचूर्तक युक्त तीर्थकरों की प्रतिमा मिली है। कोटेश्वरनाथ का स्तूप इटखोरी चतरा में स्थित है, जो जैन से रिलेटेड है। आगे है मुगल काल में झारखंड। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में जो रचना की है अर्थशास्त्र, उसमें झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश में अपनी सेना के लिए हाथी मांगता था। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख, जो 13वां शिलालेख है, उसमें झारखंड क्षेत्र की चर्चा हुई है अटावी नाम से, और रक्षित यहाँ पर आया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए झारखंड में, ठीक है, रक्षित भिक्षु का नाम था। कुषाण वंश के सिक्के रांची एवं सिंहभूम के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं।
बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माण शशांक ने करवाया। आगे है ह्वेन सांग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। चाई भाषा में इंडोसिथियन सिक्के मिले हैं। आगे है मध्यकालीन झारखंड। मध्यकाल में झारखंड में क्या हो रहा था? झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। श्री चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। बख्तियार खिलजी में ने 1206 ईस्वी में नदिया, जो बंगाल का एक जिला है, पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मालिक गफूर या छज्जू को नागवंशी राज्य को अपने अधीन करने के लिए भेजा था। फनी मुकुट राय एवं बेनुकर ने खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। आगे है झारखंड मुगल काल के समय झारखंड कैसा रहा था। मुगल काल में झारखंड का नाम खोखरा था। खान देश के आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी। मुगल काल में झारखंड में सबसे अधिक अकबर के राज प्रतिनिधियों ने राज किया। सन 1585 में अकबर ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश घोषित किया। सन 1585 में ही शाहबाज खान के नेतृत्व में युद्ध हेतु सेना भेजी गई थी। सन 1589 में अकबर के जनप्रतिनिधियों राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार घोषित किया गया था। आगे है सन 1592 में मान सिंह ने राजमहल को बिहार एवं झारखंड बंगाल की राजधानी बनाई थी। झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में है। आगे धाल विद्रोह प्रथम विद्रोह था। 1767 से लेकर के 77 तक स्थान धालभूम, नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ धाल। परिणाम जगन्नाथ धाल को पुनः 1777 में धालभूम का राजा बनाया गया था। चुवार विद्रोह 1769 से लेकर के 98 तक चला। नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह 1798। स्थान बीरभूम। परिणाम अंग्रेजों को चुवाड़ों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। जंगल महल की भूमि जो को चुवाड़ कहा जाता था दोस्तों। इससे पहले एक और वीडियो बनाया जा रहा था दोस्तों, काठी बहुत परेशानियों के बाद वो क्या हुआ कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट दिया जा रहा है। तीसरा जो विद्रोह है वह पहाड़िया विद्रोह है, जो कि 1772 से 1782 तक चला। नेतृत्वकर्ता रमना आहाड़ी। महेशपुर की रानी सरस्वती ने भी इस विद्रोह में सहयोग की। परिणाम इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने 1824 में दामिनी उपकोह लागू किया। दामिनी उपकोह का मतलब संस्थान परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषित करना था। चौथा विद्रोह है तमाड़ विद्रोह। 1882 से 1807 तक नेतृत्वकर्ता अलग अलग वर्षों में अलग अलग रहे थे। 1782 में ठाकुर भोलानाथ सिंह, 1789 में विष्णु मानकी मौजी मानकी, 1797 में विष्णु मानकी, 1807 में दुखन मानकी। परिणाम अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु 1809 में जमींदारी बल का गठन किया। पांचवा जो विद्रोह है तिलका आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। 1783 से लेकर के 1785 तक चला। नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी, जन्म सुल्तानगंज, 11 फरवरी 1750। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखवा तथा मतलब साल के पत्तों के माध्यम से भेजा जाता था। विद्रोह का केंद्र भागलपुर था। तिलका विद्रोह का स्वरूप गुरीला युद्ध था। सन 1873 में तिलका मांझी ने ऑक्सटीन क्विकलैंड को तीर से मार गिराया था। सन 1875 में भागलपुर से तिलका मांझी को धोखे से पकड़कर इसी वर्ष बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है दोस्तों, आप इसको पॉज करके और आराम से नोट बनाएं। तिलका मांझी को पकड़वाने में जडरा पहाड़िया का सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भागलपुर के जिस स्थल पर बाबा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वह स्थल आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। 1991 में तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। छठा विद्रोह चेरो विद्रोह 1800-1802 तक चला। नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह। चेरो विद्रोह पलामू के जंगली क्षेत्रों में हुआ था। कर्नल जॉन्स ने चेरो विद्रोह का दमन किया था। भूखन सिंह को 1802 में फांसी दी गई थी। 1814 में अंग्रेजों ने पलामू परगना को अपने हाथों में या कब्जों में ले लिया था। सातवां विद्रोह है हो विद्रोह। 1820 से 21 तक चला। स्थान सिंहभूम क्षेत्र। विद्रोह का कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण और उसका अंग्रेजों का पिछलगु होना। हो विद्रोह को कैप्टन विल्किंसन ने दबा दिया। कैप्टन विल्किंसन बहुत सारे विद्रोह को दबाया है। आगे है आठवां विद्रोह कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832। हो जनजाति के लोगों ने इसको किए थे। स्थान कोचाई गांव सोनपुर परगना तथा कुमांग गांव तड़माड़। नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा बुधू भगत सिंध राय। कारण भूमि संबंधित परेशानियां। परिणाम 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन को माना जाता था या वही था।
चलिए आगे देखते हैं नवा विद्रोह है। नवा विद्रोह भी है भूमिज विद्रोह के बारे में, जो कि 1832 में चला। नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण, स्थान मानभूम, कारण जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना था। भूमिज विद्रोह के को कैप्टन विल किंसो ने समाप्त किया था। अगला जो है महत्वपूर्ण है संस्थाल विद्रोह या हुल विद्रोह 1855। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू कानू, चांद एवं भैरव भाई, झानो एवं फूल बहन, स्थान भगनाडी, संस्थाल परगना। 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडी में लगभग 10,000 संस्थाल समूह एकत्र हुए थे। ठीक है, आगे है अपना देश अपना राज्य का नारा दिया गया था इसी विद्रोह में, संस्थाल विद्रोह में। और जमींदारी, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश संस्थाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। आगे है कारण, अंग्रेजों द्वारा शोषण, बंगाली तथा पछाही महाजनों द्वारा और साहूकारों द्वारा शोषण। परिणाम 1855 में संस्थाल परगना नामक नए जिला का गठन किया गया। 1856 में पुलिस रूल पुल रूल की व्यवस्था हुई। 1872 में संस्थाल परगना बंदोबस्त नियम लागू हुआ। 30 जून को हर वर्ष फूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1855 में संस्थाल ने अंग्रेजी सरकार कमांडर मेजर ब्रो को हराया था। विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में माटीलो टावर का निर्माण कराया गया था। कॉल मार्क्स ने संस्थाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी, क्योंकि इसमें 10,000 से भी ज़्यादा संस्थाल व्यक्ति जुड़ चुके थे। सफाहोड़ आंदोलन, 11वां विद्रोह 1870। नेतृत्वकर्ता लाल हेम्बरम या लाला बाबा। लाल हेम्बरम द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर दसों द्वारक दल का गठन। दूसरा, आंदोलनकारियों को राम मंत्र देना। तीसरा, सब संस्थालों को सफ़ेद झंडी देना। चौथा, मांस मदिरा का सेवन से बचाना। 12वां जो आंदोलन है खरवार आंदोलन 1874, संस्थाल परगना में इसका स्थान था। नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी या बाबा कहा जाता है। 13वां विद्रोह है बहुत महत्वपूर्ण है, बिरसा मुंडा का उलगुनान या मुंडा विद्रोह बोलते हैं 1895। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। उलगुनान का अर्थ है महान विद्रोह। विद्रोह का कारण राजस्व दर ऊंचा होना, ईसाई मिशनरियों की दुश्मन नीति और जमींदारों व साहूकारों की शोषक नीति। बिरसा मुंडा का गुरु का नाम आनंद पांडे था। अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न यही है जो SSC के एग्जाम में प्रत्येक बार आता है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा, माता कर्मी थी। आगे है बिरसा मुंडा के सेनापति का नाम गया मुंडा। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था, यह मानते थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र खूंटी था। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 14 अगस्त 1895 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी मेयर्स ने गिरफ्तार किया था। प्रथम बार 14 अगस्त 1805 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी मेयर्स ने गिरफ्तार किया था। बिरसा मुंडा को पहली बार जेल 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया की हरिक जयंती के मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कटोंग बाबा कटोंग बिरसा विद्रोह का जो मुंडा विद्रोह का गीत था या नारा था। बिरसा मुंडा को आम जनजातियों द्वारा धरती अब्बा के रूप में जाना जाते थे या उनको भगवान के रूप में मानते थे। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु 500 रुपया का इनाम घोषित किया गया था, जो कि जगमोहन सिंह और आदमवीर सिंह महली ने लालची होकर पकड़वा दिए। बिरसा मुंडा की प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हुआ हजर बीमारी कारण। आगे है परिणाम, 1902 में गुमला व 1903 में खुट्टी को अनुमंडल बनाया गया। 11 नवंबर 1908 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। 14वां बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन टाना भगत आंदोलन 1914। नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, स्थान सर्वप्रथम नावाटोली गुमला, उसके बाद रांची व लोहरदगा। मांडा क्षेत्र का नेतृत्व शिबू भगत, घाघर का क्षेत्र का बलराम भगत, बिशुनपुर क्षेत्र का भिखू भगत। आगे 1921 में महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में टाना भगत का नेतृत्व शिबू भगत ने किया था। परिणाम 1948 में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ था। आगे है कि झारखंड की उरांव जनजाति, ठीक है, झारखंड की उरांव जनजाति राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आगे 1857 का विद्रोह और झारखंड। झारखंड में 1857 ईस्वी में विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर से हुआ था। रामगढ़ और हजारीबाग में विद्रोह का प्रारंभ 30 जुलाई 1857 को हुआ। आगे है 1857 को विद्रोह के नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित हैं। पलामू में नीलाम्बर पीताम्बर भाई, हजारीबाग में सुरेंद्र साहनी और जगत पाल सिंह, सिंहभूम में अर्जुन सिंह, रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय और शेख भिखारी। रामगढ़ में जमादार माधव सिंह, डोरंडा में जयमंगल पांडे, नादिर अली खां। जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी 4 अक्टूबर 1857 को दी गई थी।
और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव मुक्ति वाहिनी दस्तावेज के संस्थापक थे। पांडे गणपत राय को फांसी 21 अप्रैल 1858 को दिया गया था। टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी 8 जनवरी 1858 को दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर काश्तकारी कमिश्नर जो था डाल्टन था। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि झारखंड और गांधी में जो संबंध है, ठीक है। महात्मा गांधी सर्वप्रथम झारखंड में 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। 1917 में चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी 21 दिन तक झारखंड में रहे। चंपारण आंदोलन के रूप रेखा रांची में तैयार किया गया था। रांची में रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने किया था। पलामू जिला कांग्रेस समिति की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। आगे है झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया था। आंदोलन का जन्मदाता जे बार्थोलेमन को माना जाता है। जे बार्थोलेमन संत कोलंबस कॉलेज का एक छात्र था। झारखंड आंदोलन के समय गठित समिति छोटा समय 1915 जुबेल लकड़ा पोल दयाल, ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों, आप इसको पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या इसको पॉज करके लिख लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों झारखंड पार्टी के बारे में, ठीक है। तो झारखंड पार्टी के बारे में है जो कि 5 मार्च 1949 को स्थापित हुआ था। प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह, स्थान जमशेदपुर, चुनाव चिन्ह मुर्गाछाप था। झारखंड पार्टी ने बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव में भाग लिया और 33 सीट जीती और मुख्य विपक्षी दल का भूमिका निभाई। 1963 में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। फलस्वरूप तत्कालीन बिल्वनंदन झा सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया था, ठीक है। और झारखंड की अन्य पार्टियां हैं दोस्तों, अन्य पार्टियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इसको पॉज करके और आराम से लिख सकते हैं। चलिए इसको एक बार देख लेते। छोटा नागपुर संस्थान परगना जनता पार्टी 1951, राजा रामगढ़ छोटा नागपुर संस्थान संयुक्त 1954, सुखदेव महतो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, बागुन लुमरबराई विशा सेवा दल 1967, ललित कजोर हुल झारखंड पार्टी 1968, जस्टिन रिचर्ड प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी शिबू मुर्मू, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कार्तिक उराव, शिवाजी समाज विनोद बिहारी महतो, सोनोत संस्थान समाज 1970 शिबू सुरेन, मार्क्सवादी ऑर्डिनेशन कमेटी 1973 एके रॉय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल सुजीत कुमार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इस जो झारखंड के संपूर्ण समान ज्ञान है, इससे कम से कम 90% जो क्वेश्चन है आने वाले झारखंड पुलिस एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे। बाकी का जो करंट अफेयर्स है दोस्तों वो 10% में आएगा, जिसको अलग वीडियो में देखा जाएगा। आगे है झारखंड आंदोलन। आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी 1973 स्थान धनबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन विनोद बिहारी महतो एवं शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था, जिसमें विनोद बिहारी महतो संस्थापक अध्यक्ष और शिबू सोरेन संस्थापक महासचिव थे। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के प्रथम बार अध्यक्ष 1987 में बने। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, ठीक है, 22 जून 1986 स्थान जमशेदपुर। आजसू का गठन सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिकरी और प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। झारखंड समन्वय समिति 1987 स्थान रामगढ़। प्रथम संयोजक विशेश्वर प्रसाद केसरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा 18 जिलों में वनांचल राज्य की 1988 में किया गया था मांग। झारखंड विशेष समिति 23 अगस्त 1989 झारखंड सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु बनाया गया था। अध्यक्ष थे बीएस लाली। आगे है झारखंड के जैक के बारे में, ठीक है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन 9 जून 1995 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में किया गया था। अध्यक्ष शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष सूरज मंडल। अब झारखंड पृथक कैसे हुआ, अलग कैसे हुआ, उसके बारे में है। बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जुलाई 1997 में। प्रस्ताव वापस लिया गया था 21 सितंबर 1998 को। बिहार विधानसभा बिहार राज्य पुनर्गठित विधेयक स्वीकृति मिली 25 अप्रैल 2000 को। बिहार राज्य पुनर्गठित विधेयक 2000 लोकसभा में पारित हुआ 2 अगस्त को। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 राज्यसभा में पारित हुआ 11 अगस्त को। राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति मिली 25 अगस्त को। और 15 नवंबर को झारखंड क्या हुआ, स्वतंत्र राज्य बन गया, अलग राज्य बिहार से। आगे है झारखंड का भूगोल। भौतिक स्थिति, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार। अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश
25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। गोलार्ध में स्थिति उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई जो है 463 किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। आगे चलिए देख लेते हैं, आगे है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा 2.42%। आगे झारखंड का भारत में हिस्सा जो है क्षेत्रफल में 16वां है। झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना है। बिहार के लगभग 40% भूभाग को पृथक करके झारखंड बनाया गया था। राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या 18 थी। राज्य निर्माण होने के बाद 6 जिला बने, ठीक है। कुल जिलों की संख्या क्या है, 24 हो गई। झारखंड की सीमा कुल 5 राज्यों से स्पर्श करती है। उत्तर में जो है बिहार 10 जिलों से और दक्षिण में उड़ीसा 4 राज्यों से, पूर्व पश्चिम बंगाल 10 जिलों से और पश्चिम में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक जिला मात्र टच होता है, ठीक है, गढ़वा। आगे है सबसे लंबी सीमा वाला राज्य क्या है, तो बिहार जो झारखंड से स्पर्श करता है। सबसे छोटी सीमा वाला राज्य उत्तर प्रदेश, मात्र एक जिला से टच होता है, गढ़वा से। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर और छोटा प्रमंडल पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला रामगढ़, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला लोहरदगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे जो है भौतिक विभाजन हम लोग कर रहे थे झारखंड के, तो यह दूसरा पार्ट है। देखिए भौतिक विभाजन झारखंड का, छोटा नागपुर पठार का प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर के पठार ही को चट्टानोक्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर कहा जाता है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है, 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में अवस्थित है। झारखंड के द्वितीय सर्वोच्च शिखर कहाँ है, तो सर्वोच्च पहाड़ी जो गढ़वा जिला में अवस्थित है। आगे है जलवायु, उसमें कटिबंधीय है यहाँ की जलवायु। मानसून का प्रवेश प्रायः जून के दूसरे सप्ताह में, मानसून के लौटने का समय मध्य अक्टूबर। वर्षा का कारक जो है दक्षिण पश्चिम मानसून और वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी है। शीतकालीन वर्षा का कारक भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है। औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर, सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर, अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस। हालांकि 2017-18 में मेदिनीनगर डाल्टनगंज का तापमान सबसे ज़्यादा था। सर्वाधिक वर्षा नेत्रहाट में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस था। औसत वार्षिक वर्षा औसत वार्षिक तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे है चौथा में है कि झारखंड की नदियाँ के बारे में है। तो पहला जो नदी है वो दामोदर नदी है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी है दामोदर नदी, 290 किलोमीटर। उद्गम स्थान लातेहार, टोरी बोला जाता है इसको। लोहरदगा की सीमा पर यह चूल्हा पानी से निकलता है। इसे बंगाल का सुख कहा जाता है दामोदर नदी को। यह नदी झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। आगे है कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। झारखंड की सहायक नदियाँ, दामोदर नदी की सहायक नदियाँ ब्राकर, बोकारो, कुनार, भेड़ा। ब्राकर नदी का उल्लेख जैन व बौद्ध धर्म के ग्रंथों में किया गया है। स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, उद्गम स्थान नगड़ी रांची से निकलती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यह नदी दक्षिण पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है और इस नदी के रेत में सोना भी पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है या माना जाता है या मिल भी रहा होगा। सहायक नदी जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय नदी। तीसरा नदी सोन नदी है। उद्गम स्थल सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सर्वप्रथम गढ़वा जिला में प्रवेश करती है। सहायक नदी उत्तर कोयल। उत्तर कोयल नदी जो है उद्गम स्थल पिस्का रांची से। सहायक नदी अमानत एवं औरंगा। अमानत नदी हजारीबाग से निकलती है। बराकर नदी उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार मुहाना दामोदर नदी पर है। और उपवाह तंत्र जो है, अपवाह तंत्र मतलब कहाँ तक बहती है, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद तक बहती है। चलिए इससे आगे है कि झारखंड की अन्य नदियों की देख लेते हैं दोस्तों, अन्य नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के बारे में देख लेते हैं। औरंगा नदी जो है रांची से निकलती है। अमानत नदी हजारीबाग से।
दक्षिण कोयल नदी नगड़ी रांची से, शंख नदी गुमला से, मोर मयूराक्षी नदी तिरुर पहाड़ देवघर से, गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से, ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से, बांसलोई नदी बांस पहाड़ गोड्डा से, फल्गु नदी छोटानागपुर के पठार से, सकरी नदी छोटानागपुर के पठार से, चानन नदी छोटानागपुर के पठार से, अजय नदी मुंगेर बिहार से, आगे है गंगा नदी साहेबगंज जिले में मात्र मिलती है झारखंड में। पांचवा में है मिट्टी। झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है जो छोटानागपुर के पठार में पाई जाती है। अबरक मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग कोडरमा पाई जाती है। काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ी में और पीली मिट्टी पलामू में। बलुई मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में। लेटराइट मिट्टी पाट क्षेत्र राजमहल क्षेत्र में। जोड़ो मिट्टी साहेबगंज पाकुड़ में। धात्विक गुण वाली मिट्टी पश्चिम सिंहभूम में। आगे है चमकती मिट्टी हजारीबाग में। चलिए अब आगे देख लेते हैं झारखंड के जलप्रपात के बारे में। ठीक है, झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है बूढ़ा घाग या लोधा घाग, 450 फीट है। ठीक है, जो कि बूढ़ा घाग नदी पर है, लातेहार जिला में अवस्थित है। आगे है हुंडरू 322 फीट, स्वर्णरेखा नदी रांची। आगे है दशम कांची नदी रांची, गौतम धारा कारू रांची, सदनी घाग, शंख नदी गुमला, हिरनी पश्चिम सिंहभूम, गौतम घाग लातेहार, घाघरी लातेहार, मोतीझार साहेबगंज, रजरप्पा दामोदर भेड़ा नदी रामगढ़ में है, पंचघाग बनाई नदी खूंटी, नागफेनी गुमला, भटिंडा धनबाद उसरी गिरिडीह प्रेमघाग गुमला, धारागिरी घाटशिला घरघरिया लोहरदग्गा क्रांति लातेहार हिपात गुमला कुंड पलामू गुंगाझंज गढ़वा। रांची को जलप्रपात नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे जलप्रपात रांची में ही पाया जाता है। चलिए आगे है दोस्तों कि झारखंड के गर्म जलकुंड के बारे में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि सूर्यकुंड हजारीबाग भारत का सर्वाधिक गर्म 88 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ पे सेल्सियस में। दूसरा टाइगर प्रपात हजारीबाग में ही है। फिर है रानी बहल दुमका, झुमका दुमका, ताता पानी दुमका। आगे है झरिया पानी दुमका, तेतुलिया धनबाद, ततलोई नदी दुमका, बारामसिया पाकुड़, शिवपुर सोता पाकुड़। फिर है ताता पानी लातेहार। झारखंड के बांध और उन पर अवस्थित, मतलब किस नदी पर कौन सा बांध अवस्थित है और डैम, तिलैया बांध बराकर नदी पर, कुनार बांध कुनार नदी पर, मैथन डैम दामोदर नदी पर, पंचेत बांध दामोदर और बराकर नदी के संगम पर, कारो बांध। आगे है बुकारो बांध बुकारो नदी पर, बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर, अय्यर बांध दामोदर नदी पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर। आगे झारखंड के नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थापना वर्ष 1948। यह परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के टेंशन नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध 3 तापी विद्युत केंद्र आते हैं। ठीक है, 3 तापी विद्युत कौन कौन से, बोकारो तापी विद्युत केंद्र, चंद्रपुरा तापीय और दुर्गापुर तापीय जो कि पश्चिम बंगाल में है। यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है, स्वर्णरेखा उद्देश्य परियोजना। आगे है कि इस परियोजना का विस्तार 3 राज्यों तक, झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किया गया है। इसकी शुरुआत पांचवी पंचवर्षीय के दौरान तैयार किया गया था। हुंडू जल विद्युत गिरह स्वर्णरेखा नदी स्वर्णरेखा योजना के अंतर्गत आती है। चांडिल एवं डिमना डैम स्वर्णरेखा नदी पर है। मयूराक्षी नदी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में किनार डैम पर अवस्थित है। कोयल। आगे है कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल और कारो नदी पर। झारखंड के कृषि के बारे में है। झारखंड के लोगों का जीविका एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। कृषि में उपयोग भूमि का प्रतिशत 23% है। झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 45% है। प्रमुख फसल जो है धान है। उत्पादन क्षमता 1930 केजी प्रति हेक्टेयर है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम है। आगे है उत्पादकता की दृष्टि से प्रमुख दूसरा फसल मक्का, पलामू में उत्पादन जाने वाला फसल गेहूं, तिलहन, जौ, दालें। हजारीबाग में सर्वाधिक बोए जाने वाला फसल हाँ ज्वार, बाजरा या आलू। वन संसाधन क्या है तो देखिए, वन कुल अधिसूचित वन का क्षेत्रफल 23,605 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में कुल क्षेत्रफल में वनों का परसेंट 29.61,
भारत का कुल वनों का प्रति 3.4%, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.8 हेक्टेयर, सर्वाधिक वन वाला जिला चतरा और सबसे कम वन वाला जिला देवघर। आगे है कि साल वृक्ष पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। झारखंड में वनों से प्राप्त पदार्थों में लाह उद्योग में झारखंड का पहला स्थान है 50% उत्पादकता के साथ। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य बेतला नेशनल पार्क पलामू, स्थापना 1968-86। यह नेशनल पार्क बाघों के सदस्यों की संरक्षण तथा गिनती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, देश में बाघों की पहली गणना 1932 में बेतला नेशनल पार्क में किया गया था। पलामू अभयारण्य झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। स्थापित जो है 1972 में हुआ था। जिला लातेहार, हजारीबाग अभयारण्य 1972, हजारीबाग में महुआडांड, लातेहार में दलमा, पूर्वी सिंहभूम में तुपचाची, धनबाद में लावालंग, चतरा में कोडरमा में कौन सा है, तो कोडरमा ही है। आगे है पालकोट अभयारण्य कहाँ है, तो गुमला में है। फिर उसके बाद है पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है, तो गिरिडीह में। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ है, तो साहेबगंज में। प्रमुख पक्षी विहार ठीक है, तिलैया पक्षी विहार कोडरमा, तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो, बिहंग पक्षी विहार पूर्वी सिंहभूम, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां। जैविक उद्यान के बारे में है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची 1994, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मुट्टा रांची, बिरसा विहार मुट्टी खूंटी, जुबली पार्क जमशेदपुर, नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है, रांची। झारखंड में सिंचाई, झारखंड का कुल जल संसाधन 42.7% का भाग सतही जल से संबंधित है, मतलब तालाब या नहर से, जबकि 17.3% कुएं या नलकूप से किया जाता है। झारखंड में कुल जल सिंचित भूमि के 58.3% भाग सतही जल द्वारा सिंचित की जाती है, जबकि 41.7% भाग जो है भूमिगत द्वारा। आगे है दोस्तों कि झारखंड में मात्र 11% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक कुआं से सिंचित की जाती है। कुआं द्वारा 29.5% सर्वाधिक गुमला में होता है, तालाब द्वारा 18.8, नहर द्वारा सिंघू में होता है, नलकूप द्वारा लोहरदगा में होता है। झारखंड में विद्युत परियोजनाएं, पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिला में है, रूस के सहायता से बनाया गया। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह बोकारो में है, तिलैया विद्युत गृह कोडरमा में है, मैथन विद्युत जल परियोजना धनबाद में है। झारखंड की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 3,29,88,134 ठीक है, 3.29 करोड़ लाख। आगे है पुरुष की संख्या, फिर महिलाओं की संख्या, परसेंट में देख लीजिएगा 51 और 48 है। आगे है देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा 2.72, क्षेत्रफल में 4.2 और जनसंख्या में 7.2। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान 14वां, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, कम जिला जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। ग्रामीण आबादी 2,50,55,043। फिर आगे है 79, देख लीजिएगा इसको आगे, जनसंख्या वृद्धि दर 22.74, 33-34%। आगे है सबसे कम वृद्धि दर, तो धनबाद में मात्र 11% हुआ है। आगे है कि जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद 1,284 किलोमीटर पर आदमी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा 160 किलोमीटर आदमी। साक्षरता दर 66.41, क्षेत्र में 25वां, पुरुष साक्षरता दर 76वां और महिला साक्षरता 55वां। सर्वाधिक संचार लिखे रांची साक्षर जिला, सॉरी सर्वाधिक साक्षर जिला रांची, न्यूनतम साक्षर जिला पाकुड़। फिर आगे है लिंगानुपात 948, मतलब 1000 पुरुष पर 948 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम में है, जो कि 1005 है। अनुपात जो है बहुत कम है, वो कहाँ है, तो धनबाद में है, मात्र 909 है। झारखंड की राज्य व्यवस्था एवं कार्यपालिका, राज्यपाल प्रथम प्रभात कुमार, वर्तमान रमेश बैस, वर्तमान में पैसा वेतन 1.1 लाख प्रतिमा, मुख्यमंत्री प्रथम बाबूलाल मरांडी, वर्तमान हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा के प्रथम स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है। आगे है झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या 82, एक मनोनीत और 81 निर्वाचित, अमेरिका 44, सॉरी अनारक्षित 44, अनुसूचित जनजाति 28 और अनुसूचित जाति 9। आगे है दो जिला जिनमें सभी विधानसभा के क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए अनारक्षित है, गुमला लोहरदगा। राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है, लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है ठीक है, 14 में भी 8 सामान्य है,
5 एसटी हैं और एससी एकमात्र पलामू में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ है, रांची, स्थापना 15 नवंबर 2000 को, देश में स्थान 21वां उच्च न्यायालय, प्रथम न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता, लोकसभा आयोग के गठन 2002 में, प्रथम अध्यक्ष एफसी एमराम, झारखंड में प्रमंडल संख्या 5, सबसे बड़ा जनसंख्या में क्षेत्रफल में उत्तरी छोटानागपुर, सबसे छोटा जनसंख्या में क्षेत्रफल में पलामू, और वर्तमान में जिला की संख्या 24 और झारखंड निर्माण के समय जिलों की संख्या 18 और उसके बाद 6 नया जुड़ा है। 19वां जिला लातेहार जो कि 4 अप्रैल 2011 को जुड़ा, और फिर है 20वां जिला।